बात रखी। आज मैं आपको पत्र लेखन जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसमें औपचारिक पत्र पढ़ाया था, ठीक है ना। आज औपचारिक पत्र में मैंने एक ही पैटर्न पढ़ाया कि प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखते हैं। इसमें मैंने दो पैटर्न पढ़ाए आपको, एक व्यावसायिकों के लिए जो कार्यालय पत्र होते हैं उनके लिए कैसे पत्र लिखते हैं, ये भी मैं आपको आज लिख कर बताऊंगी। पत्र समझ में आया, पत्र का मतलब क्या होता है। पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। पहले संदेश वाहक होते थे, राजा लोगों के पास आदमी लोग होते थे, दूसरे लोगों के पास बात कहने के लिए अपनी बात पहुंचाने के लिए आदमियों को भेजा जाता था, उनको बोलते दूत, संदेश वाहक, है ना। धीरे धीरे वो संदेश वाहक से पत्र का कार्यक्रम चालू हुआ, तो पत्रों का आदान प्रदान किया जाता था। तो पत्र जब भेजे जाते थे तो आदमियों के द्वारा खत्म हो गया, फिर पोस्ट के द्वारा जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से पत्र लेकर एक दूसरे के संदेश को पहुंचाने का माध्यम है। पत्र क्या है? पत्र है जिसमें आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं। आप बोलकर नहीं व्यक्त करते, लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने का संप्रेषण का काम पत्र के मार्फत होता है, ठीक है ना। तो पत्र लिखना भी कला है। ऐसे पत्र नहीं लिखा जाता कि पत्र को आप जैसे चाहे सुनने, पत्र सिस्टमेटिक तरीके से जो लेखन कला है उस कला के हिसाब से पत्र को लिखा जाता है। और पत्र के द्वारा ही आपका व्यक्तित्व पता चलता है कि आप बाकी में कैसे हो। ऐसे कचरा पट्टी की तरह पत्र लिख देना आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप ऐसे हो। लेकिन जब आप सलीके से क्रमबद्धता तरीके से कोई काम करते तो लोगों को बाकी में पता लगता है कि आप अनुशासन प्रिय हैं। ये लेखन कला हमारे स्वभाव को, हमारी हमारी व्यवहारिकता को प्रकट करती है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको पत्र के मैंने दो प्रकार बताए, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया औपचारिक पत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रार्थना पत्र, एक व्यावसायिक पत्र, एक कार्यालय पत्र। तो इस तरह से औपचारिक पत्र में सबसे पहले मैंने आपको पैटर्न बताया, फॉर्मेट बताया, ढांचा बताया किस तरह से पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र का भी ढांचा, दोनों के ढांचे बताए मैंने। ढांचा मतलब होता है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप पत्र लिखने में आसानी होगी। औपचारिक पत्र में दो पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। और प्रेषक का मतलब होता है पत्र लिखने वाला, प्रापक का मतलब होता है पत्र जिसे मिलेगा, जिसको पत्र प्राप्त होगा उसको बोलते हैं प्रापक। तो पहले औपचारिक पत्र में मैंने आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना बताया, और प्रधानाचार्य से चूंकि आप संबंधित हैं, आपको वो जानते हैं, इसलिए प्रधानाचार्य को आपने आपकी आदरणीय शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य इस तरह से लिखा। इस तरह से आज्ञाकारिणी और आज्ञाकारिणी और आज्ञाकारी इस तरह से लिखा जाता है। और क्लास लिखी जाती है, सेक्शन मेंशन किया जाता है। और दूसरा जो पत्र होता है, जो हम किसी कार्यालय को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं, नगर निगम अधिकारी, महानगर इंस्पेक्टर, ये जो भी अधिकारी है, विद्युत अधिकारी, उनका जब पत्र लिखते हैं तो उनके लिए भवदीय का प्रयोग किया जाता है। आपका या आप, ये मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था। आप एक में आपको औपचारिक पत्र लिख देते, फिर हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे और समझेंगे, क्लियर। तो आप अब औपचारिक पत्र निकालिए, मैं आपको पत्र लिखा देती हूँ। एक औपचारिक पत्र में जो भी आपका प्रश्न नंबर टू डाल देते, जहां आपका खत्म हो गया वहीं पर उस पेज को छोड़ देना जो पहले खत्म हो चुका, क्योंकि पत्र स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना। ठीक है, बिजली की, बिजली समझते हो ना, रेंट लाइट, बिजली की कटौती के कारण पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए लिखा, बिजली की
की कटौती के कारण पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। अधिकारी को पत्र लिखिए। समझ में आया आपको? बिजली की कटौती, कटौती मतलब होता है काटना। करंट को 2-4-5 घंटे के लिए काट दिया जाता है, काटा जाता है ना, उसको बोलते हैं बिजली की कटौती। तो उसकी उससे आपके आपको पढ़ाई में कठिनाइयां आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, हम कैसे पढ़ें? या गर्मी होती है तो पंखा कूलर नहीं चलता, तो हम कैसे पढ़ें गर्मी में? तो इससे जो परेशानियां होती हैं उनका वर्णन करते हुए, वर्णन मतलब उनको बताते हुए किसको पत्र लिखना है? क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी। क्षेत्रीय है उस क्षेत्र का, उस जगह का। विद्युत अधिकारी मतलब बिजली जहां से निकलती सप्लाई होती है वहां का जो अधिकारी है। ठीक है, पहले बताना चाह रही थी। अब हम विद्युत क्षेत्र विद्युत अधिकारी को पत्र लिखेंगे, समझ गए? तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया, स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले प्रेषक का आता पता लिखते हैं, लिखते ना, तो लिखो आप सबसे पहले। प्रेषक का पता, प्रेषक के पते के लिए जैसे आप बताइए कि आप कौन है, कहां से पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पत्र कहां से लिखते हैं? परीक्षा भवन से। ठीक है, अब आपको उसी क्षेत्र के बारे में लिखना, उसी एरिया के बारे में लिखना जिस एरिया के बारे में आप बताएंगे, और वही एरिया का अधिकारी होना है। एक ही जगह का नाम होना, नाम चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने लिखा चांदनी चौक क्षेत्र, चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, नहीं तो मैं नीचे भी दिल्ली लिख सकती, यहां नहीं लिखेंगे तो चांदनी चौक के बाद यहां भी दिल्ली लिख सकती, दिल्ली। ये प्रेषक का पता हो गया। क्लियर, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, आपका पता। अब आप पत्र लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो? अधिकारी को लिख रहे हो। कौन सा अधिकारी को लिख रहे हो? जिस क्षेत्रीय क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी को। तो पहले हम दिनांक डालेंगे, दिनांक, दिनांक में ऐसे दो डॉट लगा के इसे संप्रेषण कहते हैं, इसको लगाएंगे। और यदि मुझे जनवरी की, मार्च की डेट डालनी है तो मैं लिखती हूँ जैसे 7th March 2021। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हिंदी में इसी तरह से ही लिखा जाता है दिनांक को। उसके बाद आपको मैंने पत्र प्रापक का पदनाम, तो पत्र प्रापक का पदनाम क्या है? क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी। ठीक है, जैसा मैं प्रधानाचार्य को लिखा, प्रधानाचार्य जी, क्षेत्र विद्युत अधिकारी जी भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। अब ये जो विद्युत अधिकारी है कहां बैठता है? बिजली विभाग में बैठता होगा, तो लिख लिया। अब कहां का है? दिल्ली का। समझ में आया ना? तो लिखो दिल्ली विद्युत विभाग। किस ऑफिस में बैठता है? दिल्ली विद्युत विभाग में बैठता है। अधिकारी है तो कहां बैठेगा? विभाग में बैठता है। अब कौन सी जगह पर है? चांदनी चौक, चांदनी चौक, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। चांदनी चौक कॉमा लगाकर दिल्ली यहां पर भी लिख सकते, दिल्ली। ये आपका जिसको आप पत्र लिख रहे हो, प्रापक जो पत्र को प्राप्त करेगा उसका पदनाम, उसके पदनाम के साथ उसका एड्रेस पता, समझ में आया? अब लिख दिया हमने, जगह बता दी। अब हम विषय लिखेंगे, विषय सब्जेक्ट। औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक,
होने वाली परेशानी, बिजली कटौती से बिजली बिजली की उचित व्यवस्था करवाने हेतु दोनों ही चीज चलती है। दोनों ही तरह से सकते हो आप, बिजली की कटौती के कारण या बिजली की अनियमितता संबंधी शिकायत, शिकायती पत्र ना, तो आप लिखिए, आप डायरेक्ट किसी का लिख लीजिए जहां आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बिजली की कटौती संबंध हेतु, संबंध के लिए बिजली की कटौती हेतु, ठीक है, हेतु का समझ आया ना, के लिए। अब प्रेषक का नाम हो गया, प्रापक का नाम हो गया, अब हम उनको संबोधन देंगे, यही सिखाया था ना, हाँ, विषय के बाद संबोधन। तो संबोधन में प्रधानाचार्य तो माननीय महोदय, इनको भी माननीय महोदय लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही हो सकते हैं, अधिकारी क्षेत्र विद्युत अधिकारी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, हमें पता नहीं कौन है, हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको तरीका तो एक ही, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं लेकिन लिखना एक ही तरीका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे महोदय, महोदय श्रीमान, एक ही बात कोमा लगा के। अब औपचारिक पत्र में दो पहले ग्राफ लिखते हैं, क्लियर ना, पहले ग्राफ में, अब पहले ग्राफ में आपको अपना परिचय देना है, आप कहाँ के निवासी हैं, और दूसरे अनुच्छेद और क्या कहाँ के निवासी हैं, इसके साथ ही आपने पत्र क्यों लिखा, कारण बताना है पत्र लिखने का। दूसरे पहले ग्राफ में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करे, उसको लिखना है, ठीक है ना। तो पहले ग्राफ में लिखिए आप, जब भी औपचारिक पत्र लिखते हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि, ठीक है, नम्र यानी झुकना, नम्र निवेदन है कि, हमें जब अपनी बात किसी से मनवानी होगा तो कठोरता से नहीं बोलते, बात तो बताया, बिल्कुल झुककर बिल्कुल नरम शब्दों में बात की जाती है, ठीक है। तो नम्र निवेदन है कि मैं, कौन सा जगह है, चांदनी चौक, मैं चांदनी चौक का निवासी हूं, आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, निवासी मतलब रहने वाला, मैं चांदनी चौक का निवासी हूँ, अपने बारे में परिचय दे दिया, मैं चांदनी चौक का निवासी हूँ, चांदनी चौक निवासी, चांदनी चौक का अध्यक्ष हूँ, चांदनी चौक क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, अध्यक्ष ही पास लिख सकते हैं। नम्र निवेदन है मैं चांदनी चौक का निवासी हूँ। अब क्या बताएंगे, बिजली की कटौती के कारण पढ़ाई में होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखना है ना। तो अब हम बिजली के बारे में लिखेंगे, बिजली की कटौती हो रही है, हमारी पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पा रही है, हमारी परीक्षाएं पास में है, ठीक है ना, तो अब लिखेंगे हम देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे मोहल्ले में या क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र और मोहल्ला एक ही चीज है ना, कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, हमारे कॉलोनी में, हमारी हमारे हमारे मोहल्ले में, मोहल्ले हमारे हमारे मोहल्ले में कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है, बिजली की कटौती की जा रही है, बिजली की कटौती कई हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारा जो क्षेत्र चांदनी चौक, इसमें बहुत देर तक बिजली काटी जाती है, काटने के कारण मुझे क्या परेशानी है बताया ना, पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयां, तो लिखो इससे या इस कारण
मोहल्ले के बच्चे, आप सब लोग जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में लिख लो आप, मोहल्ले के बच्चों की, मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्या बोला है कि बिजली कटौती हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हो उनको पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न हो रही है ना, तकलीफ हो रही है, कठिनाई आ रही है। सबकी परीक्षाएं भी निकट है, पास में है, सबकी परीक्षाएं भी निकट है, दिनांक आपने पहले लिख
क्लियर। अब मैं आपको ये हो गया आपका औपचारिक पत्र का पैटर्न नंबर टू। अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो अनौपचारिक पत्र, ये पत्र के बाद आप दूसरे पेज पर न्यू टॉपिक डालकर देखो, पत्र लेखन अनौपचारिक पत्र। एक तो हो गया आपका औपचारिक पत्र पत्र लेखन में, और दूसरा पत्र लेखन में डालो अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी आप जो अपने अपने सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले मैं आपको अनौपचारिक पत्र का पैटर्न समझा देती हूँ। लिख गया, ये डालो अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रारूप यानी ढांचा, फॉर्मेट, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र एक ही तरीके से लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है देखिए। सबसे पहले प्रेषक का पता, प्रेषक समझ गया नहीं समझे, प्रेषक का मतलब, प्रेषक मतलब होता है ऐसे डाल दो, प्रेषक के आगे ब्रैकेट में डाल दो आपको, जिससे लिखेगा पत्र लिखने वाला। प्रेषक मतलब होता है पत्र लिखने वाला, प्रेषक का पता, एड्रेस, जो कि हमने परीक्षा भवन के नाम से चालू किया था। उसके बाद कहां से परीक्षा भवन से लिखेगा उसके बारे में लिखेगा एक लाइन के अंदर। फिर दिनांक, डेट डालेंगे, जो भी दिनांक रहेगी, ठीक है ना। और दिनांक के बाद आप संबोधन देंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको जो संबोधन दिया जाएगा वो संबोधन देंगे। और संबोधन के बाद आप अभिवादन करेंगे। औपचारिक पत्र में हमने संबोधन के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट हमने लिखना चालू किया था पैराग्राफ, लेकिन यहां पर संबोधन के बाद अभिवादन, प्रणाम, खुश रहो, मधुर स्मृतियां, ये बोलते हैं अभिवादन, ठीक है ना, अभिवादन देते हैं। उसके बाद औपचारिक पत्र में दो पैराग्राफ होते हैं और अनौपचारिक पत्र में तीन पैराग्राफ होते हैं। पहला अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद में इसमें विषय नहीं होता, याद रखना, इसमें विषय नहीं होता। औपचारिक पत्र में विषय होता, हाफ मार्क्स आते हैं उसके, इसमें विषय नहीं होता, इसको बिना विषय के लिखते हैं क्योंकि हम अपने परिवार के लोगों से बात करते हैं। तो पहले अनुच्छेद में आप कुशलक्षेम पूछते हैं अपने परिवारजनों की, आप कैसे हैं, मैं आप ठीक हूं, कुशलक्षेम समझ गए, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आशा करता हूँ आप प्रसन्न होंगे, इस तरह से कुशलता की क्षेम भी रखें। कुशलक्षेम मतलब किसी की कुशलता के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा बताना। दूसरा अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, कारण लिखते हैं पत्र लिखने का, आपने पत्र क्यों, किस काम से लिखा, उस काम को लिखते हैं। आपने अपने पिता को पत्र लिखा, आपको 1000 रुपए चाहिए, तो 1000 रुपए आपको मंगवाने का जो काम है उस काम को लिखा जाता है, ठीक है ना, कारण के सहित आपको क्यों चाहिए इसलिए। और तीसरा पैराग्राफ जो होता है इसमें, तीसरे अनुच्छेद में हमारा जो परिवार है, जैसे मैंने अपने पापा को पत्र लिखा, पिता को पत्र लिखा, तो माता जी उनके साथ है, छोटे बहन भाई उनके साथ है, दादा दादी को लिखा तो ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची उनके साथ रिलेशन का ध्यान रखना होता है। यदि मैंने नाना को पत्र लिखा तो मामा मामी साथ में, मौसी साथ में, इन चीजों का ध्यान रखकर पत्र लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनका अभिवादन लिखा जाता है थर्ड पैराग्राफ में। तो लिखो परिवार के अन्य सदस्य, अन्य सदस्यों का अभिवादन थर्ड पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसका मतलब है मामा मामी को नमस्ते कहना और छोटू रिंकी को प्यार देना, समझ में आया, ये होता है अभिवादन। उसके बाद आप जैसे उसमें धन्यवाद लिखते,
इजी हो जाए। क्लियर, ये आप लिख लीजिए, समझ के लिख लीजिए। फिर मैं इसमें आपको संबंधों के नाम और उनके साथ अभिवादन लिखवाऊंगी। दादू नाम होता है जैसे प्रिय
प्रसन्न रहो। या
जीजा भाभी दीदी जीजा जी क्लियर। इस तरह से इन रिलेशनों से आपका संबंध के नाम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम दादाजी और दादी माँ का संबंध लिए, दादाजी और दादी माँ। दादाजी और दादी माँ से दोनों की स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ही संबंध बता रही हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो दादा और दादी से संबंध होता है किसी का भी, लड़का है तो पोता, लड़की है तो पोती, या संस्कृत के शब्द के साथ लिखते तो पौत्र, हिंदी में भी चलता है पौत्र, पोत्री, पौत्र पोत्री। ठीक है, ये आपके दादाजी और दादी माँ, ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, ये दादाजी और दादी माँ के साथ आपके संबंध को व्यक्त करते हैं। अब दादाजी के बाद आप देखो, दादाजी आपके जो पापा के बड़े ब्रदर हैं ताऊ जी, ताई जी, छोटे ब्रदर है चाचा, चाची, चाचा जी का आप लोग कम लिखते हैं, चाचा चाची, बुआ और फूफा जी, ये मम्मी के, ये पापा के तरफ के जो रिलेटिव्स हैं, इन सब के लड़का और लड़की क्या होते हैं, भतीजा। लड़का है तो भतीजा और लड़की है तो भतीजी, नेफ्यू, समझ गए, समझ गए ना, भतीजा या भतीजी। ये जो रिलेटिव्स है, ये पापा के पापा है, ये पापा की मम्मी है, ये पापा के ताऊ जी है, ये पापा के बड़े ब्रदर है, छोटे बड़े ब्रदर के मिसेज है, ये छोटे ब्रदर और उनकी मिसेज है, ये बहन है और उनके हस्बैंड है, समझ गए, ये रिलेशन होता है ना। अब तीसरे नंबर पे हम मम्मी के पापा का नंबर लेते हैं। मम्मी के पापा को बोलते हैं नाना जी, और माँ को बोलते हैं, माँ की माँ को नानी जी या नानी माँ, दो भी बोलते हैं नानी जी या नानी माँ। उनके साथ जो रिलेशन होता है वह रिलेशन में आप नाना नानी के नवासा, नवासी, ये रिलेशन होता है नवासा नवासी का रिलेशन होता है। और यदि मम्मी के ब्रदर हैं मामा जी, या उनकी मिसेज है मामी जी, वाइफ है, तो उनके साथ आपका रिलेशन भांजा और भांजी इनका होता है, समझ में आया, भांजा और भांजी। और यदि मम्मी की बहन है मौसी, या उनके हस्बैंड है मौसा जी, तो आपसे उनका रिलेशन बच्चों का होता है, तो इनमें आपका बेटा, बेटा बेटी वाला रिलेशन रखते हैं, बेटा जो आप अपनी माँ के साथ रखते हैं, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, ठीक है, माता पिता है आपके, माता पिताजी, माताजी और पिताजी हैं, तो उनके साथ आपका पुत्र, आपकी पुत्री, या बेटा बेटी भी लिख सकते हैं, पुत्र पुत्री ज्यादा अच्छा लगता है, पुत्र पुत्री, ठीक है। और यदि आपकी बहन को आप पत्र लिखते हैं, तो आप बहन और भाई के लिए बहन भाई होते हैं, बहन और भाई, छोटा बहन हो चाहे बड़ा बहन हो, तो छोटा है तो तुम्हारा बहन, तुम्हारी भाई, इस तरह से, और यदि बड़ा है तो आपका बड़े के लिए लिख रहे हैं, आपका भाई, आपकी बहन, तो बहन भाई की रिलेशन के लिए बहन भाभी, बहन और भाई के रूप में ही लिखा जाता है, क्लियर, संबंध समझना है। तो इस तरह से हम संबंधों को लिखते हैं, समझ लीजिए और लिख लीजिए। यदि सासू माँ को पत्र लिखा जाता है, सासू माँ जानते ना, सासू माँ मदर इन लॉ, और
आपकी बहू, सब दोनों के लिए बहू ही होती है, ठीक है। लेकिन अपने जब पापा लोग पत्र लिखते हैं तो वे होते हैं दामाद, बहू या दामाद के रूप में लिखते हैं, समझ में आया। और यदि सिस्टर इन लॉ को पत्र लिखना है तो ननद देवर इसका रिलेशन भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ननद देवर वाला तो आप लोगों को ज्यादा आता नहीं है, और ये बहू और दामाद वाला भी नहीं आता, ज्यादातर आपको इसी तरह से ही रिलेशंस आते हैं। ये आप रिलेशंस के नाम जिनसे हमने लास्ट लिखा ना, पत्र प्रापक के साथ आपका क्या संबंध है। यदि आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, दादाजी को लिखा आपका पोता, आपकी पोती, नाना को पत्र लिखा आपका नवासा, मामा को पत्र लिखा आपका भांजा, दीदी को पत्र लिखा आपकी बहन, क्लियर। मौसी को पत्र लिखा आपका बेटा, माँ पापा को पत्र लिखा आपका पुत्र, इन चीजों का ध्यान रखते हुए रिलेशन। अब मैं आपको कल फिर से अनौपचारिक पत्र का पैटर्न का एक समझाऊंगी किस तरह से पत्र लिखा जाता है। आप इसको लिख लीजिए और समझिए, संबंधों को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको पेपर पत्र लिखने में, अनौपचारिक पत्र लिखने में कभी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।